तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। और देखो, फिजिक्स एएलपी के लिए सीबीटी वन में भी है अच्छा खासा पोर्शन, और सीबीटी टू में मोस्टली 22 से 25 नंबर का पूछा जाता है। मेरे में 24 या 25 न्यूमेरिकल्स थे, तो न्यूमेरिकल्स एएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लास्ट एग्जाम को एनालिसिस करते हुए एक चीज समझ में आया कि एनटीपीसी में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो एक बात सिंपल समझ लो कि फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और साइंस भी तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन ये टॉपिक होने वाला है मोस्टली फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेके। तो मैंने एनालिसिस किया अच्छे से और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स के टाइप है उनका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मोस्टली एक चीज मुझे ये समझ में आया कि जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैथ जितना कॉन्सेप्ट या डीप, ऐसा कुछ नहीं है। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। और मैं इस वीडियो को बहुत छोटा सा रखते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हुए एक चीज समझा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे विद्युत धारा आपको दिख जाएगा, उसके नीचे आपको दिख जाएगा लाइट मतलब लेंस और मिरर, उसके नीचे आपको दिखेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, थोड़ा सा फोर्स का भी पोर्शन, और उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीन चार चैप्टर्स को अगर ले लो, थोड़ा सा हीट का भी पूछा जाता है, इन तीन चार चैप्टर्स को आप ले लो तो 70% आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन पूरे जितने भी मैंने बताया इन सब का मैं एक अच्छे से एनालिसिस किया, वो कैसे किया आप समझ लो पहले। तो देखो ये वाला जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरा समझ चुके कि मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लाइट वाला, विद्युत धारा वाला और ये तीन चैप्टर से मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल के कम से कम मिनिमम से मिनिमम 70% तो इन्हीं चैप्टर से आते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल और जहां भी पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। और ये वीडियो रेलवे के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ग्रुप डी में बहुत न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी में भी आ रहे हैं, और एएलपी के हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीटी टू में ओनली फिजिक्स है, इस बात को नहीं भूलना। तो यार एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लग रहा है और ये जो स्टडी के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाला है, लेकिन इस पर पता है मुझे कि प्रॉपर लाइक नहीं आएगा, प्रॉपर व्यू नहीं आएगा, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में। तो देखो एनालिसिस कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे इसका जो न्यूमेरिकल है मैं छांट रहा हूँ, सॉल्यूशन भी है और फॉर्मूला को ऐसे कट किया हुआ। तो इन सब क्वेश्चन का पीडीएफ मैं रेडी कर लूंगा और सबको मिलेगा पीडीएफ, ये मैं देख दिखा रहा हूँ। और यार फॉर्मूला मैं थोड़ा सा खुद के लिए भी कर रहा हूँ, इतना मेहनत तो मैं खुद के लिए नहीं किया, जैसे ये सब फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ अलग से। तो मैंने एनालिसिस किया है 6-7 चैप्टर का, और सारे चैप्टर्स का जिनका मैंने एनालिसिस किया है, और मोस्टली जो टाइप्स पूछे जाते हैं वो मैं पीडीएफ में दूंगा। आओ अभी मेन वीडियो पे आते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देख लो कि पिनाकल का ये बुक है जिसमें कि 53,000 तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू, ये पढ़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत बढ़िया है एक तरह से समझो तो, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। और सबसे बड़ा चीज कि फिजिक्स के हिसाब से सीबीटी टू और वन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसमें एमसीक्यूज अलग दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स अलग दिए हुए हैं, क्वेश्चंस नंबर के हिसाब से और पेज के हिसाब से, तो बहुत इजी है। जैसे देखो इससे तुमको मिल जाएगा 273 क्वेश्चंस, एमसीक्यू 88 पूछे गए हैं इससे। और सबसे मस्त इलेक्ट्रिसिटी से देखो तुमको 203 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। इससे भी देखोगे अगर तो 111 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और थोड़ा सा हीट से भी आता है, इसका 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मोस्टली हीट का मैं यहीं पे तुमको बता देता हूँ, इसका मैं यहीं पे बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, फॉरेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो, इस टाइप के इक्वेशन आते हैं, वो भी तुमको मिल जाएगा। तो मैं पूरा इस बुक से न्यूमेरिकल आज खत्म कर दिया, पिनाकल का साइंस का बुक ले सकते हो जाके, इसका भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया भी गया है। आओ अब मेन वीडियो। तो देखो जितने भी मैंने एनालिसिस किया उसको करना क्या है, तो एक सिंपल चीज है कि अभी तक रेलवे में हमारे जितने भी, सिर्फ एएलपी का नहीं, जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को मैंने छांट के हर टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा मोस्टली 5-6 ही है, थोड़ा बहुत अलग अलग होगा लेकिन बेसिक यही है। तो करना क्या है, पहले आप फॉर्मूला साइड में रखो, छांटो, याद करो, फॉर्मूला को मैंने ऐसे राउंड किया हुआ है, वो फॉर्मूलाज हैं तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जैसे ही इन क्वेश्चंस को देखोगे, नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन देख के समझ लो, और ऐसे अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने से फायदा ये होगा कि आप अप्लाई करना सीख जाओगे कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, और डेरिवेशन टाइप अगर क्वेश्चंस मिले तो और बेटर है, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और नहीं
तो मैंने जो बुक बताया वो आप ले सकते हो जाके। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का टेंशन मैंने आपका खत्म कर दिया, आप मेरा टेंशन खत्म करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। और थ्योरी का बात हुआ तो अगर कोई चाहता है कि मैं थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी ऐसे ही पीडीएफ में दूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूं, एक चैप्टर का अलग या एक चैप्टर का अलग ऐसे करके दूं, तो कमेंट करके बताना। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा, पीडीएफ आपका बहुत हेल्पफुल होगा, समझ रहे हो, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखा करो।